नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहारनामा। आमतौर पर लोग जिस अवस्था में खाट पकड़ लेते हैं और अंतिम यात्रा की तैयारी करते हैं, उस अवस्था में बिहार में जन्म लेने वाले एक महान शख्स ने तलवार निकाल ली थी। गंगा किनारे महासंग्राम किया था और उसी महान शख्स की गाथा पढ़कर देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह बचपन में जोश से भर जाते थे, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। इतना ही नहीं, उन्हें याद करते हुए आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि अमित शाह ने बिहार दौरे के दौरान कार्यक्रम में खुद कही थी। जी हाँ, अब आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं बाबू कुंवर सिंह की। बिहार के भोजपुर स्थित कुंवर सिंह के पैतृक गांव में विजय उत्सव मनाया गया। बाबू कुंवर सिंह आज़ादी की पहली लड़ाई के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उन्होंने कभी अंग्रेजों के समक्ष घुटने नहीं टेके, हार कर भी हौसला नहीं खोया। साल 1857 की लड़ाई में दानापुर छावनी के बहादुर सैनिकों और भोजपुर के वीर जवानों के साथ बिहार के पटना, सोनपुर और आरा से लेकर उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़ एवं गोरखपुर तक देश के दुश्मनों से लड़ते रहे और उन्हें पराजित करते रहे। आजमगढ़ में उन्होंने अंग्रेजों को 2-2 बार हराया और उस इलाके में 81 दिनों तक स्वतंत्र रखा। मरने से 3 दिन पहले तक इस वयोवृद्ध स्वाधीनता सेनानी ने दुश्मनों से मोर्चा लिया और मातृभूमि की रक्षा भी की। जगदीशपुर स्टेट को अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त करवाया, अंतिम सांस तक बहादुरी से लड़ते हुए अंग्रेजों को परास्त कर दिया। कई इतिहासकारों ने लिखा है कि ये तो शुक्र था कि क्रांति के समय बाबू वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष के वृद्ध थे। अगर नौजवान होते तो भारत काफी पहले आजाद हो गया होता। कुंवर सिंह के सामने अंग्रेजी सेना मैदान छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगी थी। वीर सावरकर ने अपनी किताब 1857 का महासमर में कुंवर सिंह की युद्ध नीति को छत्रपति शिवाजी की तरह बताया। उन्होंने लिखा है कि शिवाजी महाराज के बाद कुंवर सिंह भारत के दूसरे ऐसे बड़े योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों से मुकाबले के लिए गुरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था। जन्म के समय भी कुंवर सिंह की मातृभूमि स्वतंत्र थी और 26 अप्रैल 1858 को जब उनका निधन हुआ तब भी वो धरती स्वतंत्र रही। 2 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह ने बीबीगंज और बिहिया के जंगलों में घमासान युद्ध में अंग्रेजी सेना को चुनौती दी थी। उन्हें इसमें हार का सामना जरूर करना पड़ा, मगर उनका हौसला नहीं टूटा। कुछ दिनों के बाद ही वो अपने साथियों के साथ रीवा की ओर निकल गए। वहां उनकी मुलाकात नाना फडणवीस से हुई थी, फिर तात्या टोपे की मदद के लिए बांदा और कालपी की ओर प्रस्थान किया। ये वो समय था जब कुछ अपने ही लोगों की दगाबाजी के चलते उन्हें कामयाबी ना मिल पाई। तात्या की हार के बाद वो लखनऊ आ गए। इसी दौरान बिहार लौटते समय बलिया के मुड़कटवा मैदान में फिर एक बार अंग्रेजों से उनका मुकाबला हुआ। जगदीशपुर आने के लिए जब वो अपने सैनिकों के साथ गंगा पार कर रहे थे तो जनरल डगलस की गोली उनके हाथ में लगी। उन्होंने अपनी तलवार से स्वयं अपने हाथ काट कर गंगा नदी में बहा दिए। इसके 3 दिन बाद उनका निधन हो गया, लेकिन 23 अप्रैल को आज भी जगदीशपुर में विजय उत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस साल इसका भव्य आयोजन किया गया था। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय और अनेक मंत्री और नेतागण मौजूद थे। इसी कार्यक्रम में अमित शाह ने मंच पर तलवार भी निकाली थी और कुंवर सिंह को याद करने के दौरान वे काफी इमोशनल हो गए थे। अमित शाह ने मंच से ही कहा था कि बचपन में जब मेरे इतिहास के शिक्षक ने बाबू कुंवर सिंह जी के साहस और वीरता की गौरव गाथा बताई थी तो उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और आज जब वो यहाँ लाखों लोग तिरंगा लेकर बाबू कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं तो भी उनकी देशभक्ति का जज्बा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतना ही नहीं, अमित शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी थी। आप बाकी वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।